हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, चलिए आज बनाते हैं कुछ टेस्टी सा स्नैक्स। इवनिंग स्नैक्स है ये और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है ये खाने में, तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए हम ले लेंगे आलू। उबला हुआ आलू लिया है मैंने, ये 3 आलू लिया है मैंने उबला हुआ। और इस सबको ना मैश कर लेंगे पहले आलू को। तो आप पोटैटो मैशर से भी मैश कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं। और इसमें प्याज ले लेंगे कटा हुआ, और थोड़ा सा हरी मिर्च कटी हुई, और खूब सारा धनिया पत्ता कटा हुआ। इसमें हम लाल मिर्च पाउडर लेंगे थोड़ा सा, हाफ चम्मच के करीब। और इसमें मैंने गरम मसाला थोड़ा सा लिया है, हाफ टी स्पून, और थोड़ा सा भुना हुआ जीरा पाउडर लिया है मैंने। और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक भी लेंगे। तो इन सबको डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। तो ये हमारा ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा ना चटपटा सा ये फिलिंग हमारा तैयार हो गया है। तो इन सबको अच्छे से मिला लिया है मैंने, और इन सबको रख देंगे साइड में पहले। ये हमारा फिलिंग, मतलब जो हम इसमें भरेंगे, वो हमारा तैयार हो चुका है। और अब हम लेते हैं ब्रेड, और ब्रेड से बनाएंगे दोस्तों। तो जी हाँ, ये ब्रेड रोल ही है, मतलब इवनिंग स्नैक्स में ब्रेड रोल बहुत ही अच्छा लगता है खाने में चाय के साथ में। तो ये ब्रेड का ना साइड्स का जो है एजेस को हम कट कर लेंगे, जो इसका ब्राउन पार्ट है, मतलब किनारे का जो सख्त भाग है, तो इसको हम काट करके निकाल लेंगे। और इन सबको इस तरह से काट करके निकाल करके ना इसे इसका भी यूज करेंगे। मैं दिखाती हूँ आपको कहाँ यूज करना है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए और देखिए, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही टेस्टी भी लगता है खाने में। तो ये सारे मैंने कट कर लिए हैं इसके एजेस को। और इन सबको ना क्या करेंगे कि हम इसका ना ब्रेड क्रम बनाएंगे। तो इसको इस तरह से हल्का तोड़ लेंगे, और तोड़ करके ना मिक्सर जार में डाल करके इसको हम ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे। तो ये मैं इसको इस तरह से डाल करके और सबको पीस लूँगी, क्योंकि ब्रेड क्रम में हमें अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, यही हमारा ब्रेड क्रम बन जाएगा। तो इसको हम पीस लेंगे। तो ये देखिए, पीस लिया है मैंने, बहुत ही अच्छे से पीस जाता है ये, बहुत ही आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये ब्रेड क्रम को हम निकाल लेंगे इसमें एक प्लेट में। तो जितना ज़रूरत लगेगा उतना ही यूज करेंगे, और जो बाकी जो बच जाएगा तो उसे हम बाद में कोई भी चीज़ में यूज कर लेंगे। ब्रेड क्रम को रख सकते हैं फ्रिज में। तो ये ब्रेड लिया है मैंने जो काटा था ना किनारी इसका, तो इसको हम ना क्या करेंगे, बेल करके थोड़ा पतला कर लेंगे। तो इस तरह से बेल करके पतला करने का कारण ये है कि मैं दिखाती हूँ आपको, बताती हूँ कि क्यों पतला कर रहे हैं। इस तरह से हम अगर बेल करके पतला कर लेंगे ना, तो ये मतलब इसकी जो है ना थिकनेस, मतलब ये जो है मोटा होता है ब्रेड, तो इसमें जब हम इसके अंदर जो फिलिंग भरते हैं ना, तो ये अच्छे से फोल्ड नहीं होता है। तो इसलिए इस तरह बेल लेते हैं ना, तो बेल करके जब बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो ये बेल करके मैंने सारे रख लिए हैं, और अब हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से, ये प्लेन वाटर लिया है मैंने पानी, और ये नॉर्मल मतलब टेम्परेचर का पानी है, कोई गर्म वगैरह नहीं है। बस इसको इसमें पानी में डिप किया ब्रेड को, और इस तरह दबाते हुए हम इसमें पानी उसका निकाल देंगे पहले। और इसको ना, ये जो फिलिंग हमने तैयार किया है ना आलू का, तो उसको इस तरह से इस पर रख करके और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। तो ये पतला बेल करके करने के वजह से ना, ये बहुत ही आसानी से फोल्ड हो जाता है, और मतलब टूटता नहीं है, क्रैक्स नहीं आते हैं इसमें। तो ये इस तरह से हम अच्छे से दबाते हुए, और जहाँ भी मतलब ये इस तरह से इसका जो खुल रहा है ना, उसको हम इस तरह से अच्छे से दबा लेंगे और अच्छे से इसको फोल्ड कर लेंगे। तो अच्छे से दबाने का कारण ये है कि इसमें ज़्यादा मतलब हम फ्राई करेंगे ना तेल में, तो ज़्यादा तेल अंदर नहीं जाएगा। तो हम इसको अच्छे से इसको ना मतलब स्मूथ कर लेंगे, उसके जो ऊपर की जो पार्ट है, इसको इस तरह से हम अच्छे से, ये देखिए कितने आसानी से बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से बन जाता है, फोल्ड हो जाता है, क्योंकि हमने ब्रेड को ना पतला कर लिया है बेल करके, इसीलिए। तो इस तरह से हम रखते जाएंगे इसको, और ब्रेड क्रम में मैं बाद में लगाऊंगी, सबसे पहले मैं सारे ब्रेड्स का तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से पानी में मैं एक और दिखा दे रही हूँ आपको करके,
पानी में डालना है, डिप करना है, छोड़ना नहीं है, तुरंत निकाल लेना है पानी में से और दबाते हुए पानी को पहले निकाल देना है। उसके बाद ये जो आलू का हमने बना करके रखा है फिलिंग को, उसको इसमें इस तरह से दबाएंगे और इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और पूरे अच्छे से इसको अंदर में दबाते हुए इसको इस तरह से ना भर लेंगे और ये हाथों से इस तरह से अच्छे से दबाते हुए इसे रख लेंगे। बहुत ही आराम से बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है और क्योंकि पानी में हमने डिप किया है ब्रेड को तो वो सॉफ्ट हो गया है बहुत ही अच्छे से। तो इस तरह से ये देखिए मैं सारे बना ले रही हूँ और ये सारा मैंने बना लिया है इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे कि ये जो ब्रेड क्रम हमने पीसा है ना, ब्रेड की किनारी जो पीस के रखा है, इसमें इसको हम इस तरह से डिप कर लेंगे। तो ये इस तरह से देखिए प्लेट में रख करके और इसे इस तरह से लपेटते हुए डिप कर लेंगे, मतलब इसमें मिला लेंगे ऊपर से। और ये इस तरह से सब मैंने ऊपर से ना ब्रेड क्रम में इसको लपेट लिया है। और अब हम चलिए छानते हैं इसको, मतलब इसको फ्राई करते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई में ना रिफाइंड डाला है गर्म होने के लिए। ये देखिए गर्म हो चुका है, तो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, मीडियम गर्म करना है। और अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक एक करके इसमें डालेंगे। तो एक बार में 3 से 4 डालिएगा तेल के अकॉर्डिंग, जितना मतलब आपने इसमें रिफाइंड डाला है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डालिए। तो ये मैं एक बार में 4 डाल रही हूँ और एक बैच में मतलब। और इसको हम इस तरह से ना डाल करके और इसको हम लटते पलटते हुए इसको ना पूरा अच्छे से मतलब क्रिस्पी होने तक इसको फ्राई करेंगे, ताकि ये अच्छे से मतलब ऊपर से क्रिस्पी हो जाए। तो ये बहुत ही अच्छा शाम का नाश्ता है, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये देखिए इसका कलर पूरा चेंज हो गया है और ये ऊपर से पूरी तरह से ना क्रिस्पी हो चुका है। तो ये हम इसको निकाल लेंगे और इसको मैं निकाल ले रही हूँ और सेकंड बैच भी मैं इसमें इस तरह से ही डाल दूँगी। और इसको भी हम अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। तो इसको इसका फ्लेम जो है मीडियम रखना है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं हम इसे फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। तो ये ब्रेड रोल हमारा बन करके देखिए तैयार हो चुका है। तो चलिए इसके लिए मैं एक चटनी भी बनाती हूँ जो कि अच्छा लगता है खाने में इसके साथ। तो नॉर्मल सी चटनी है, धनिया पत्ता आजकल ठंड के मौसम में तो बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलता है। तो ये धनिया पत्ते की चटनी और साथ में मैं टमाटर भी डालूंगी। एक हरी मिर्च डाला मैंने और टमाटर को मैंने पका करके डाला है, इससे चटनी बहुत ही अच्छी लगती है। और थोड़ा सा नमक डाला मैंने। तो ये चटनी हमारी बन करके तैयार है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे सर्व कर लेते हैं। तो ये मैंने हरी चटनी के साथ और साथ में टमाटो सॉस भी मैंने रखा है इसके साथ ब्रेड रोल, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो चलिए हम इंजॉय करते हैं, इसे टेस्ट करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर कितनी क्रिस्पी बनी है ये। तो फ्रेंड्स आप भी ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों कुछ नए रेसिपी के साथ में नए वीडियो में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।